इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि सबसे पहले आएगी एसिडिक डिहाइड्रेशन। अभी हमने एसिडिक हाइड्रेशन की थी, अल्कीन प्रोपीन से हमने बनाई थी अल्कोहल प्रोपेंटोल। अब इसके ऑपोजिट होगा, हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे अल्कीन, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी हम लोगों ने सेम करनी है, एसिड की प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है। यहाँ पर हीट करेंगे, एसिड ऐड किया, हीट किया अल्कोहल को, यहाँ से OH गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले जो जो साथ वाला सी एटम है, तो हमें एक अल्कीन यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर इथीन, दो कार्बन वाला, जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अल्कीन को बना सकते हैं। तो साथ में H2O है। अगर इसी रिएक्शन को लो टेम्परेचर में किया जाए, 413 केल्विन एंड एक्सेस ऑफ इथेनॉल, हमने अल्कोहल भी ऐड कर दी है काफी अमाउंट में, उसको लो टेम्परेचर पर हीट किया है, एंड अल्कोहल शुड बी दी प्राइमरी, तो क्या होगा कि वो दोनों अल्कोहल के मोलिक्यूल आपस में जुड़कर ईथर बना देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ही आप लोग सेम चीज से लो टेम्परेचर करवाकर ईथर भी बना सकते हैं और हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल भी बन सकती है। इन दोनों के मैकेनिज्म्स होते हैं डिफरेंट, कि ईथर क्यों बना है या फिर अल्कीन्स क्यों बने हैं, तो वो आप लोगों को आगे हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आपको एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि 443 केल्विन पर होती है डिहाइड्रेशन, होकर यहाँ पर बनते हैं अल्कीन, और 413 यानी कि थोड़ा सा अगर हम लोग लो टेम्परेचर रखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाते हैं, ईथर्स मिल जाते हैं। इसीलिए अगर हम ये देखें कि अल्कोहल से अल्कीन बनाने की जो रिएक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहती है 3rd डिग्री अल्कोहल्स की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में दोनों के चांसेस होते हैं एक जैसे, ठीक है। और 2 डिग्री 3rd डिग्री में सिर्फ अल्कीन्स ही बन सकते हैं, उसमें ईथर्स बिल्कुल नहीं बनते। सुनाओ इसके बाद है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अभी देखिए हमने क्या किया था कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव अस दी अल्कोहल्स, ऑपोजिट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स गिव अस दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। ऑपोजिट आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। अब देखिए अगर हमने यूज की है प्राइमरी अल्कोहल, हमने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर CHO ग्रुप रह गया, यहाँ पर CH बच गया, यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन, सी और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन गया, तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रोंग यूज किया गया है, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐड किया है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड के पास होता है ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ ईजिली अटैच होकर यहाँ पर OH ग्रुप बना देती है, तो हमें क्या मिल जाता है आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं ऑन दी अल्कोहल। सिमिलरली सेकेंडरी में भी होगा कि पहले सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएंगे, बाद में कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं, अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन होती है रिएक्शन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्राइमरी की ही होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेंगे, ओके। अभी इतना अंडरस्टैंड हो गया। तो अगर हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना हो, यहीं तक रोकना हो कि आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना जाए रिएक्शन, तो हम लोग कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे, जैसे कि CrO3 एंड PCC। तो ये दो एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके साथ अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाएगा, आगे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें नहीं बनने वाला, क्लियर है। तो CrO3 एंड PCC, PCC क्या होता है, दैट इज द पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। सो दिस इज द पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम भी याद रखिएगा। और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, सेकेंडरी से कीटोन भी इसके साथ बनाए जा सकते हैं, ओके। अभी सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी उनमें से एक है। इसके बाद आती है अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजिनेशन बाय द कॉपर। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल के वेपर्स बनाकर कॉपर के ऊपर से पास करवाते हैं, कॉपर को हीट किया होता है 573 केल्विन पर, तो अल्कोहल्स के वेपर्स को उसके ऊपर से पास करवाते हैं, डी यानी कि रिमूव होना, हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना।
तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और यहां पर क्या बच जाएगा, CH3 CHO, तो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर बन जाएगा। कॉपर से पास करवाएंगे एल्कोहल्स के वेपर 573 केल्विन पर, कॉपर को हीट किया होगा कॉपर ट्यूब में से, ठीक है। तो अगर हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स, तो यहां से जाएगा हाइड्रोजन और एक यहां से जाएगा हाइड्रोजन, और सी और ओ में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो हमें यहाँ पर कीटोन्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रोपेनोन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स बना लिए और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। अगर हम लोग यूज करते हैं थर्ड डिग्री एल्कोहल्स, अब देखिए थर्ड डिग्री, यहां से हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास कोई कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो थर्ड डिग्री के केस में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि OH यहां से जाएगा सारे का सारा, और किसी दूसरे कार्बन का एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहां पर हमें अल्कीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही एक अलग है कि थर्ड डिग्री में आप लोगों को क्या मिलेंगे, यहां पर अल्कीन्स मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी में एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन विद द कॉपर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने एक जनरलाइज फॉर्म में याद रखना है रिएक्शंस को, तभी आपको याद रहे।